राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाने के लिए DSLSA ने एक सप्ताह तक चलने वाली परियोजनाओं में गतिविधियों और कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की योजना बनाई है और इसका उद्देश्य न्याय तक पहुंचने को बढ़ावा देना और कानूनी योजना सेवा संस्थानों के कार्यबल को उपलब्धियों को बनाना है। वही विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत इस साप्ताहिक कार्यक्रम में हाशिए पर रहने वाले समुदाय, महिलाओं और अल्पसंख्यकों को कानून के कई प्रावधान के बारे में अवगत कराया गया, जिसमें मुक्त कानूनी सेवाओं को घर घर पहुंचाना भी शामिल है। इसका लाभ उन्हें आवास और सुलभ तरीके से मिल सके। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रोज एवेन्यू में। हमारे साथ बात करने के लिए मुकेश कुमार गुप्ता जी, जो सदस्य सेक्रेटरी हैं। सर, आज आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, इसमें ये आरओ क्या है? देखिए, आरओ एक प्रोजेक्ट है, एक स्पेशल ड्राइव है दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की लोगों तक पहुंचने के लिए। नेशनल लीगल सर्विसेज डे, जो कि 9 नवंबर 1995 को पहली बार मनाया गया था, हर साल मनाया जाता है, और इस डे को मनाने के लिए इस बार वीक लॉन्ग प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं, इसमें वीक लॉन्ग एक्टिविटीज होंगी सभी डिस्ट्रिक्ट में। कोशिश की जाएगी कि जो दिल्ली का हर कोना कोना है उसे कवर किया जाए, मैक्सिमम लोगों तक उनके अधिकारों और न्याय तक पहुंचने की प्रक्रिया बताई। तो जागरूकता और साक्षरता, कानून साक्षरता, कानून जागरूकता और अधिकारों तक पहुंचने का निकाल, इसके लिए एक आरओ के एक कदम है। आरओ का अगर सिंपल भाषा में मतलब समझाऊं तो आरओ का मतलब होता है उत्थान। जैसे शुरू की, जब शुरू नीचे से ऊपर बढ़ते हैं तो जैसे उठते हैं, ऐसे विधिक सेवा के बढ़ते कदम उनके कानों तक पहुंचे। आपने 1 नवंबर से 7 नवंबर तक का, इसमें क्या आप समाज के अंदर, क्या उनके पास भी पहुंचेंगे वहां? देखिए, जो पूरा इस प्रोजेक्ट का खाका है, उसमें समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचना है जो कि उपेक्षित है, जो कि पीड़ित है और जो कि हाशिए पर है। ये वो लोग हैं जो सामाजिक या आर्थिक कारणों के कारण जो कानून के दरवाजे हैं वहां तक नहीं पहुंच पाते। देखिए, अगर आप ऐसे सूचना की बात करें या ऐसे किसी नंबर की बात करें, तो क्योंकि हम एक सरकारी संस्था है और हम लोग का जो काम है और जो खर्चा है वो पब्लिक मनी पे चलता है, तो हर किसी चीज के लिए हम उत्तरदायित्व हैं। अगर आप इसे डाटा की बात करें तो 1 जनवरी 2023 से लेकर 30 सितंबर 2023 के बीच में 95,000 से अधिक लोगों को लीगल सर्विसेज दी जा चुकी है, डाटा रिकॉर्ड। ये थे हमारे साथ मुकेश कुमार जी, जिन्होंने बताया कि समाज के लिए उन्होंने कितना कार्य और करेंगे। तमाम खबरें सब बने रहे। विजय चौधरी, नेटवर्क 10।